हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। बात करने वाले इस वीडियो में हम आर पावर शेयर के बारे में। आर पावर शेयर ने आज फिर से गिरावट देखने को मिली लगभग 2% के आसपास की। तो अब दोस्तों काफ़ी मन में क्वेश्चन आया होगा आपके कि क्या करना चाहिए शेयर के बारे में, क्या इसमें इन्वेस्ट करना मौका सही है नहीं है, क्या करंट प्राइस पर इन्वेस्ट करना सही है नहीं है। जिन्होंने दोस्तों इन्वेस्ट किया है वो काफ़ी लोग भी ऐसे भी जो प्रॉफिट में है, काफ़ी लोग ऐसे भी जो लॉस में है। लॉस बिल्कुल कम होगा लोगों का, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट में ज़्यादा काफ़ी लोग ज़्यादा होंगे। काफ़ी लोगों ने ऐसे भी है जो दोस्तों 3.0 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, उनको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी नई एंट्री ले रहे हो इसमें, तो एक बार इसके बारे में रिसर्च कर ले, स्टडी कर ले इसके बारे में, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करें। टारगेट आपको शॉर्ट टाइम में लेकर चलना है 45 रुपीज़ के आसपास का। जब दोस्तों शेयर में उछाल देखने को मिलेगा आपको, तो 100% ये प्राइस आपको हिट होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जब उछाल आपको बड़ा देखने को मिलेगा, देखो जब उछाल देखने को मिलेगा आपको शेयर में, तो आपको दोस्तों इजीली 35 से 45 के बीच में आपको देखने को मिलने वाली प्राइस बहुत जल्द। ये तो कन्फर्म है कि पावर सेक्टर में तो आपको उछाल देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपको यकीन होता है तो आप बजट में देखो, बजट में भी पावर सेक्टर में काफ़ी हाईलाइट पॉइंट था। दोस्तों आप बिल्कुल इसमें आगे भी इसमें राइज में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार इसके बारे में रिसर्च कर ले, स्टडी कर ले इसके बारे में, बात कर ले लॉन्ग टाइम के लिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, आप शॉर्ट टाइम के पीछे आप मत पड़ो, क्योंकि लॉन्ग टाइम में स्टॉक काफ़ी बढ़िया है शेयर। ये लॉन्ग टाइम आपको कम से कम 200 रुपये के बाद आपको देने वाला है, लेकिन इसके लिए समय लगेगा, कम से कम 2 साल तो लगेगी। जब उछाल देखने को पावर सेक्टर में आपको, तो 100% आर पावर शेयर में आपको उछाल देखने को मिल जाएगा।